जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भाषाई प्रांत समितियां, यानी कि जो पिछला वाला पार्ट था उसमें हम लोगों ने संविधान का भाग एक पढ़ा था। कौन सा भाग पढ़ा था? भाग एक। तो ये भी भाग एक से ही संबंधित है। जो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने आपको पढ़ाया था इंडियन पॉलिटी की सीरीज में, उसमें ये बताया था कि भाग एक में कितने अनुच्छेद हैं, यानी कि चार अनुच्छेद हैं। तो उन चारों अनुच्छेद में कौन कौन सी बातों के बारे में बताया गया है, तो वो चारों अनुच्छेद हम लोगों ने डिटेल के साथ में कंप्लीट कर लिए हैं। अब इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो भाग एक से संबंधित कुछ समितियां हैं। जैसे मान लीजिए कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए कौन कौन सी समितियों को गठित किया गया था, कौन कौन से आयोगों को गठित किया गया था, जैसे कि धर आयोग, JVP समिति, फजल अली आयोग। तो इस तरह से जो आयोग गठित किए गए थे, तो उन्हीं के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल के साथ में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों को गठित करने के लिए ढेर सारी समितियों को गठित किया गया। अब भाषा के आधार पर राज्यों को गठित क्यों किया गया? क्योंकि देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहां पर ढेर सारी विविधता पाई जाती है। भारत के प्रत्येक कोने में लगभग अलग अलग भाषा बोलने वाले व्यक्ति रहते हैं, तो इसलिए उन अलग अलग क्षेत्रों से व्यक्तियों के द्वारा मांग उठाई जाने लगी कि हमारे यहाँ पर जो राज्य को गठित किया जाए वो भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जाए। क्योंकि आजादी प्राप्ति जैसी भी जैसी जिस तरह से हमें हुई थी, तो उसमें जैसे जैसे लोगों का योगदान रहा है, तो उन सभी लोगों ने मिलकर, उनके समुदायों ने मिलकर आंदोलन के माध्यम से भाषा के आधार पर राज्यों के गठन करने की मांग की। तो देखिए, सबसे पहले आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित करने की मांग की गई थी। ठीक है, तो देखिए वहां पर लोगों ने क्या किया कि आंदोलन भी किए थे। तो लोगों के द्वारा जो आंदोलन किए जा रहे थे, तो उस टाइम पर जो कांग्रेस सरकार थी, तो उसने सोचा था कि हम लोग भाषा को आधार ना बनाए राज्यों को गठित करने के लिए, यानी कि हम लोग प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन करें। देखिए, एक्चुअली यहाँ पर एक स्टोरी समझ लीजिए कि जैसे ही देखिए देश आजाद हो रहा था, तो वहां पर देखिए जो अंग्रेजों का हिस्सा था, दो प्रकार की देखिए क्षेत्र थे। पहला तो था, कौन कौन से क्षेत्र थे? एक तो था ब्रिटिश एरिया, ब्रिटिश रियासत, माने कि जो ब्रिटिश सरकार के हिस्से में प्रांत पड़ते थे, यानी कि ब्रिटिश सरकार का उस पर शासन था। और दूसरा था, पहला कौन था? ब्रिटिश के अधिकार में जो क्षेत्र था, और दूसरे थे देशी रियासतें। देशी रियासतें, देशी रियासतें, यहां पर ये थोड़ा समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम समितियों की बात करेंगे। देखिए, जो ब्रिटिश सरकार के हिस्से में जो क्षेत्र था भारत का, वो तो सीधे भारत को मिल रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार भारत को आजादी दे रही थी, तो ब्रिटिश सरकार के हिस्से में जो क्षेत्र था तो वो भारत को मिल जाएगा। अब देखिए, देशी रियासतों की संख्या उस समय लगभग 565 थी। कितनी थी? देशी रियासतों की संख्या 565। ये देशी रियासत मतलब ये होता है कि ऐसी रियासतें जहां पर भारतीय राजाओं का शासन था। तो 565 ऐसी छोटी बड़ी मिलाकर सभी रियासतें थी। तो 565 में से जो 35 रियासतें थी, तो ये तो पाकिस्तान के हिस्से में चली गई थी। अब बची कितनी थी? 530 रियासतें। तो देखिए, 530 रियासतों में से 530 रियासतों में से 527 रियासतें तो भारत में शामिल हो गई थी आसानी से। कितनी? 527। लेकिन तीन जगह मामला फंस गया था। पहला कौन था वो? पहला तो था जूनागढ़। एक्चुअली गुजरात में पड़ता है, ठीक है। और दूसरा था हैदराबाद, हैदराबाद। और तीसरा था, जहां पर मामला फंसा था, वो था जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर ये तीन जगह ऐसी थी जो भारत में शामिल होने के लिए इनकार कर रहे थे। यानी कि देखिए, जूनागढ़ का जो शासक था महावत खान, वो एक मुस्लिम शासक था, तो वो चाहता था कि हम पाकिस्तान में शामिल हो जाए, ऐसी इसकी मंशा थी। हालांकि वो सफल नहीं हुआ। अंत में जो महावत खान था, उसको भारत में ही शामिल होना पड़ा, क्योंकि जनमत संग्रह यहां पर कराया गया, तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में मिला लिया गया था। और हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के माध्यम से भारत में मिला लिया गया, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से भारत का एक हिस्सा बना दिया गया। तो इस तरह से ये भी भारत में कहीं ना कहीं शामिल हो ही गए थे। तो अब देखिए, हम लोग देखेंगे कि किस तरह से भाषा के आधार पर राज्यों को गठित करने के लिए आयोग और समितियों को गठित किया गया।
ठीक है। इस तरह से देखिए जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, इनको तो भारत में मिला लिया गया किसी ना किसी तरह से। अब एक दूसरी समस्या ये थी भारत के सामने कि भारत को राज्यों को गठित करना था, भारत सरकार को राज्यों को गठित करना था, तो वो राज्यों का गठन किस आधार पर करे, यानी कि किस बेस पर राज्यों को गठित करे, तो उसका आधार क्या होना चाहिए। कुछ लोग तो बोल रहे थे कि भाषा को आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन देखिए भाषा को आधार केवल नहीं बनाया जा सकता, किसी राज्य को गठित करने के लिए प्रशासनिक सुविधा को भी देखा जाना चाहिए कि आखिर वहां की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, ठीक है, वहां के लोगों को रोजगार किस तरह से मिलेगा, तो इस तरह से इन सब चीजों को भी राज्य की गठन करने के लिए देखा जाना चाहिए। तो देखिए तो एक्चुअली एक तरफ जनता थी वो बोल रही थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, और दूसरी तरफ सरकार थी जो कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों को गठित करना चाहती थी। तो देखिए जब जनता और सरकार के बीच में एक बहस हुई तो सरकार ने क्या किया कि एक आयोग का गठन किया, यानी कि एक समिति बनाई। कौन सा आयोग बनाया था? धर आयोग। धर आयोग भारत सरकार ने धर आयोग को गठित किया। जो धार आयोग को गठित किया था वो किसकी अध्यक्षता में था? एस के धार। देखिए इस आयोग का क्या काम था, इस आयोग का केवल यह काम था कि आयोग अध्ययन करके यह बताएगा सरकार को कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाए या फिर राज्यों का गठन भाषा के आधार पर न किया जाए। केवल इतना सा काम था धार आयोग का, ये बताना कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाए या ना किया जाए। तो इसलिए श्याम कृष्ण धार की अध्यक्षता में धर आयोग का गठन किया गया, यानी कि इन्हीं के नाम पर। और कब किया गया? 1948 में। 1948 में धर आयोग को गठित किया गया। अब देखिए इस आयोग ने 1948 में ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इस आयोग ने 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और सरकार से बोल दिया कि राज्यों का गठन भाषा की बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाना चाहिए। राज्यों का गठन भाषा की बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाना चाहिए। तो अब इस आयोग ने तो जनता के अगेंस्ट में बात बोल दी कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, चूंकि जनता चाहती थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो। तो इसलिए देखिए हम इसमें लिखेंगे, यदि हमको लिखना हो तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे धर आयोग। इसमें लिखेंगे कि सरकार, भारत सरकार ने भाषा के आधार पर राज्यों को गठित करने के लिए सन 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में धर आयोग को गठित किया। धर आयोग ने 1948 में ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्यों का गठन भाषा के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाना चाहिए। तो इतना यहां पर लिखने के बाद अब हम लोग देखेंगे, देखिए धर आयोग ने जब इस तरह की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी तो जो जनता थी वो और भी ज्यादा आंदोलन करने के मूड में आ गई, जनता और भी ज्यादा आक्रोशित हो गई। तो जनता के आक्रोश को देखते हुए भारत सरकार ने एक और कमेटी को गठित किया, और जो एक और समिति बनाई सरकार ने, तो उस समिति का क्या नाम था? जे वी पी समिति। तो अब इसको भी देखिए, हम लोग देखेंगे कि जेवीपी समिति कौन थी। जेवीपी समिति में तीन लोग शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टा भी सीतार मैया, पी से पट्टा भी सीतार मैया। तो ये तीन लोग शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टा भी सीतार मैया। तो इन तीनों लोगों को शामिल करते हुए भारत सरकार ने जेवीपी समिति बनाई, और ये भी समिति इसी तरह की थी धर आयोग की तरह। इसका भी काम यही था कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाए या फिर न किया जाए। तो जेवीपी समिति ने 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, 1949 में रिपोर्ट प्रस्तुत की, और इसने भी इस बात को अस्वीकार कर दिया कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए, यानी कि इसने भी भाषा के आधार पर राज्यों को गठित करने के लिए मना कर दिया। तो इस समिति ने फिर इसके बाद क्या हुआ कि जनता का आंदोलन और भी आक्रोशित रूप में सामने आया। तो यदि हम इसको लिखना चाहें तो इसको किस तरह से लिखेंगे कि जनता के आक्रोश को देखते हुए भारत सरकार ने 1949 में जेवीपी समिति को गठित किया। जेवीपी समिति ने जेवीपी 1948 में इसको गठित किया गया था, 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि जनता के आक्रोश को देखते हुए भारत सरकार ने 1948 में जेवीपी समिति को गठित किया। जेवीपी समिति में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टा भी सीतार मैया ये शामिल थे। और देखिए इस समिति ने 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और रिपोर्ट में कहा कि राज्यों का गठन
भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, अर्थात राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाना चाहिए। इस कारण से जनता और भी ज्यादा आक्रोशित हो गई। ठीक है, अब यहां से समझिए फिर से, इस कारण से क्या हुआ, जब इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो क्या हुआ, यहां से देखिए मिटा दे रहे हैं, देखिए इस समिति के कारण क्या हुआ, इस समिति की रिपोर्ट की वजह से जनता जो थी वो और भी ज्यादा आक्रोशित हो गई। तो जनता के आक्रोश को देखते हुए क्या किया, भारत सरकार ने मजबूर होकर, भारत सरकार ने, इसको इस तरह से लिख भी सकते हैं आप लोग कि जनता के आक्रोश को देखते हुए भारत सरकार ने मजबूर होकर 1953 में पहले राज्य का गठन किया जिसका आधार भाषा था, और उस वो कौन सा राज्य था, आंध्र प्रदेश। यानी कि इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि जनता के आक्रोश को देखते हुए भारत सरकार ने, यानी कि कांग्रेस सरकार ने मजबूर होकर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का भाषा के आधार पर गठन किया। अब देखिए इसको समझिए कि जब भारत सरकार ने 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का भाषा के आधार पर गठन कर दिया, तो इसके कारण से क्या हुआ कि चारों ओर से और मांग उठने लगी, कुछ लोग और मांग करने लगे कि हमारे यहाँ पर भी भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए भारत एक ऐसा देश रहा है जहां पर अलग अलग एरिया में अलग अलग भाषा को महत्व दिया जाता था, तो उन लोगों को लगता था कि हमारे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि किसी एरिया में मराठी बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, तो उन लोगों का कहना था कि हमारे यहाँ पर एक अलग राज्य बना दिया जाए जहां पर केवल मराठी बोलने वाले लोग रहेंगे। तो इस तरह से भाषा के आधार पर गठन की मांग उठ रही थी। तो जब आंध्र प्रदेश का गठन हो गया भाषा के आधार पर, तो और भी एरिया से भाषा के आधार पर गठन करने की राज्यों की मांग उठने लगी। तब क्या हुआ, फिर भारत सरकार ने एक और समिति का गठन किया, और वो कौन सी समिति थी, फजल अली आयोग, यानी कि आयोग का गठन किया। तो इसका नाम है फजल अली आयोग, फजल अली आयोग, क्या नाम है, फजल अली आयोग। तो यहां पर देखेंगे, देखिए फजल अली आयोग, देखिए इसका गठन किया था भारत सरकार ने, ठीक है, 1953 में ही फजल अली आयोग का गठन किया भारत सरकार ने। तो जो भारत सरकार ने फजल अली आयोग का गठन किया, तो इसमें ये 3 सदस्यीय आयोग था, कितने सदस्य का, 3 सदस्यीय आयोग, यानी कि इसमें 3 सदस्य थे। तो एक कौन थे, एक तो थे फजल अली, एक तो फजल अली ही थे, दूसरे थे के एम पणिक्कर, और दूसरे थे HN कुंजरू। ये 3 सदस्यीय आयोग था फजल अली आयोग, इसमें 3 सदस्य थे। तो एक सदस्य थे फजल अली, दूसरे थे KM पणिक्कर, और तीसरे थे HN कुंजरू। तो इस आयोग ने क्या किया, इस आयोग, ये पहला आयोग था जिसने इस बात को स्वीकार किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। यह पहला आयोग था जिसने स्वीकार किया था कि हाँ, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। वरना देखिए आप लोग, JVP समिति ने भी मना कर दिया था, और जो धार आयोग था उसने भी मना कर दिया था कि भाषा के आधार पर राज्य को गठित नहीं किया जाए। लेकिन इसने कहा, औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया कि भाषा के आधार पर राज्यों को गठित किया जाए। लेकिन इसने एक बात बोली थी कि एक राज्य और एक भाषा के सिद्धांत को ना अपनाया जाए। यानी कि इसका मतलब ये था, किसी एक राज्य में ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक भाषा के, भाषा बोलने वाले लोगों को ही प्राथमिकता दी जाए। जैसे मान लीजिए कि गुजराती बोलने वाले लोगों के लिए गुजरात का गठन किया गया, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वहां पर हिंदी बोलने वाले लोगों को प्राथमिकता ना दी जाए, या फिर वो लोग वहां पर ना रह पाए। इस बात को इन्होंने बोला था। तो इसमें यदि हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि भारत सरकार ने सन 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाए। यानी अर्थात कि फजल अली आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट में इस बात को औपचारिक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाए। हालांकि इन्होंने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। और यह एक 3 सदस्यीय आयोग था। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य कौन थे, KM पणिक्कर और HN कुंजरू।
तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए इस तरह से ये तीन प्रमुख आयोग थे। अब यहाँ पर एक चीज और हम लोग बताएंगे, जो मैंने आपको बताया था आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था 1953 में, अभी पहले बताया, इसके पहले बता चुके हैं कि 1953 में किसका गठन किया गया, आंध्र प्रदेश राज्य का। तो जो 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था, तो इस राज्य को गठित करने के लिए एक लंबा विरोध आंदोलन चला था। उस आंदोलन में एक भूख हड़ताल भी हुई थी। उस आंदोलन में क्या हुई थी, एक भूख हड़ताल। तो इस भूख हड़ताल में एक कांग्रेसी कार्यकर्ता थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामलु। तो इनका निधन हो गया था भूख हड़ताल की वजह से, यानी कि भूख की वजह से पोट्टी श्रीरामलु जी का निधन हो गया था। ये कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। तो इसी भूख हड़ताल में जब आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया जा रहा था, तो इनका निधन हो गया। ठीक है, तो ये उसमें आप लोग जोड़ लीजिएगा जहां पर हम लोगों ने आपको बताया था आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था जब, तो उसमें इसको भी लिख लीजिएगा। अब देखिए इस तरह से, देखिए फजल अली आयोग ने भी अपना काम कर दिया। अब इसने, इस आयोग ने कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों को गठित किया जाए, तो उसके बाद देखिए आप लोग समझ सकते हैं कि कुछ राज्यों को भाषा के आधार पर भी गठित किया गया था। जैसे कि 1960 में, यहां पर आप लोगों को बताई दे रहे हैं, जैसे 1960 में एक राज्य था जिसका नाम था बंबई, बंबई राज्य था। ठीक है, एक पूरा राज्य था बंबई। तो इसमें दो तरह की भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, यानी कि यहां पर जो लोग रहते थे वो दो तरह की भाषा बोलते थे। एक तो बोलते थे गुजराती, गुजराती भाषा बोलने वाले लोग थे, और दूसरे थे मराठी। ठीक है, बंबई राज्य में किस तरह की भाषा बोलने वाले लोग थे, दो तरह की, गुजराती और मराठी। तो देखिए भाषा के आधार पर यहाँ पर दो राज्य बना दिए गए। एक तो गुजराती बोलने वाले जो लोग थे तो उनके लिए गुजरात का निर्माण कर दिया गया, जो मराठी बोलने वाले लोग थे तो उनके लिए महाराष्ट्र राज्य का निर्माण कर दिया गया था। और इसके निर्माण होने से पहले कौन सा एक राज्य था, बंबई राज्य था। तो अब बंबई राज्य के रूप से खत्म हो गया और गुजरात और महाराष्ट्र ये दो राज्य बन गए। तो इनको 1960 में बनाया गया था। तो भाषा के आधार पर जो दूसरा राज्य बनाया गया तो वो कौन थे, महाराष्ट्र और गुजरात। सबसे पहला राज्य कौन था भाषा के आधार पर जिसको गठित किया गया, तो पहला राज्य कौन था, वो था आंध्र प्रदेश। कब किया गया उसको, 1953 में। ठीक है, और वो कौन सी पहली समिति थी जिसने भाषा के आधार पर राज्यों को गठन करने के लिए औपचारिक रूप से सहमति प्रदान की थी, तो वो था फजल अली आयोग। और फजल अली आयोग कितने सदस्य उसमें शामिल थे, तीन लोग, एक तो फजल अली, दूसरे के एम पणिक्कर और तीसरे एच एन कुंजरू। तो ये एंचन कुंजरू मतलब हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है, इनका फुल नाम है हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, तो इसको आप लोग ठीक से समझ लीजिएगा। और इसके बाद देखिए ये भाग एक ही हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान में, जो 22 भाग हैं उनमें से भाग पहला है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसका, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से राज्यों का गठन किया गया, यानी कि कौन से सन में कौन से राज्य को गठित किया गया। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे, यदि हम लोग देखिए यहां पर आप लोग समझ लीजिए कि 1 नवंबर सन 1956 की यदि बात करें, 1956 की यदि बात करें, तो यहां पर कुल 14 राज्य थे। कितने राज्य थे, कुल 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो जो 14 राज्य थे इनकी संख्या 14 से बढ़कर धीरे धीरे 28 कैसे हुई, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और 6 केंद्र शासित से बढ़कर ये 8 किस तरह से हुए और इसमें किस तरह का बदलाव किया गया, किस तरह से राज्यों का, केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया, कौन कौन सी सन में गठित किया गया, इन सभी चीजों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ में देखने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हमारे संविधान का भाग एक खत्म हो जाएगा। और फिर इसके बाद इसमें कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको आए ना। ठीक है, तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।